हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस माय सेल्फ डॉक्टर गुंजन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द यूनिट टू ऑफ क्लास टेंथ साइंस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग सो इस यूनिट के अंदर फोर चैप्टर्स आते हैं जो कि ट्वेंटी फाइव मार्क्स कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द सी बी बट अबाउट द मार्क्स एंड बट दिस यूनिट कवर्स four major important bio chapters first one is life processes second is control and coordination third is reproduction and fourth is heredity and evolution so today in this video we are going to start with the first chapter that is life processes so life processes होते क्या हैं so ये ये जो chapter है इसके अंदर हम इस बारे में बात करने वाले हैं जो भी आ, अगर हम life processes की बात करें life processes मतलब कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले वो सारे प्रोसेसेस जो कि उसकी बॉडी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो उन सभी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं ठीक है सो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग बींग्स मतलब लिविंग बींग्स में ही सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सो so, बेसिकली जो लाइफ प्रोसेसेस में चीज़ें कवर होती हैं सो so, वो कंसेप्ट होते हैं चार चीज़ें फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन सो ये चार चीज़ें जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं वो उसका एक लाइफ प्रोसेस है सो so, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक सिंपल टर्म्स हैं तो एज इट इज़ ही हो जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे कि ये किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये वाले सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं ओके okay? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू न्यूट्रिशन सबसे पहले हम लोग कौन सा कौन सा कॉन्सेप्ट तो उठाने वाले हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ऑडोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन दो तरह से होता है ऑडोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक तो जो ऑडोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसके बारे में आप सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं सो so, इस फोटोसिंथेसिस में कौन सी कौन से इंग्रेडिएंट्स राइट रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको प्रूव करेंगे कि आर दे रियली नेसेसरी टू परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस सो वी विल शो दिस बाई हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स राइट right? कि अगर एक भी चीज़ ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकता है हम उसके उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे और उसके थ्रू हम लोग जो उनकी ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन सो न्यूट्रिशन होता क्या है अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि लाइक uh, like, कोई भी एथलीट है ठीक है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट एथलीट रन करता है यू ऑल नो दैट तो वो रन करता है रन करता है रन करता है सो रन करने से वो टायर्ड हो गया गेट्स टायर्ड तो वो टायर्ड हो गया सो वॉट ही नीड ही विल नीड फूड है ना वो थक जाएगा वो खाना खाएगा खाना खाने से कुछ देर के बाद उसमें फिर से एनर्जी आ जाएगी और वो फिर से रन करना शुरू कर देगा सो तो हम हुआ क्या हमारी बॉडी काम करती है काम करती करते टायर्ड हो जाती है टायर्ड होने के कारण उसको फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो एनर्जी है वो हम लोग फूड खाते हैं और उस फूड से हमें वापस मिल जाती है और हमारी बॉडी वापस से रिचार्ज हो जाती है जस्ट लाइक योर मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते करते उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है सो तो आप उसको वापस प्लग इन कर देते हैं सो तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज बैक हो जाता है और वापस उसकी बैटरी फुल हो जाती है सिमिलरली न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी में यही काम करता है कि वो क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जी सोर्स से हमारी बॉडी में आता है ठीक है एक ऐसा प्रोसेस जो कि ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को फ्रॉम फूड टू इनसाइड आर बॉडी तो हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो एक फूड है फूड बाहर ही होगा है ना हम लोग खुद तो बना नहीं सकते नॉट लाइक वी आर मेकिंग इट इन द किचन बट हमें बेसिकल इंग्रीडियंट्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ना किचन में भी तो so वो इंग्रीडियंट्स कहाँ से आते हैं ग्रीन कार्ड से आते हैं ठीक है वो आउटसाइड सोर्स से आते हैं तो जो भी आउटसाइड सोर्स से हमें लाइक फूड जो है वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है सो so, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन सो सॉरीट जस्ट अट जस्ट अके सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन सो न्यूट्रिशन हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ के लिए ये बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए डेवलपमेंट के लिए चाहिए और बॉडी में प्रोटीन सिंथसिस के लिए चाहिए जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगा सो so, इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ठीक है जनरल रिक्वायरमेंट जो एनर्जी और मेटेरियल्स की सब ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है पर वो डिफरेंट तरीके से फुलफिल की जाती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले राइट सो लेट्स स्टार्ट देखिए इसमें देखिए आप कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते हैं ठीक है जो वो अपने जिस जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन दो तरह का होता है एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या है हेट्रोट्रॉपिक ये हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है ऑटो मीन्स सेल्फ अगर हम ऑटो की डेफ इसको ब्रेक कर दें वर्ड को तो ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रॉपोस मीन्स फीड जो अपना खाना सेल्फ मेड है जो अपना खाना सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटांस को यूज़ करके अपना खाना खुद प्रोड्यूस करें उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ठीक है सो आइदर वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं तो जिसे जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे या फिर वो केमिकल एनर्जी भी यूज़ करके फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं जिसको हम लोग कीमोसिंथेसिस कहते हैं राइट सो so ये सारा ये दोनों चीज़ें कौन परफॉर्म करता है ऑटोट्रॉप्स इनके एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल राइट सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है हेड्रोट्रॉप्स जो कि अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोड्रॉप्स। सो हैट्रोट्रॉप दे ऑप्टेन्स यर एनर्जी फ्रॉम इंटे थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे कैन आइदर बी अ एनिमल टिश्यू और इट कैन बी अ प्लांट टिश्यू राइट प्लांट टिश्यू तो जो हम लोग जो ये वाले वेजिटेरियंस की बात कर रहे हैं ठीक है एनिमल टिश्यू जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं राइट सोलाइक दे कैन बी Okay. तो अब हम बात कर रहे हैं हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं तो ऑटोट्रॉप्स की एग्जाम्पल हो गई ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया और, और हेट्रोट्रॉप्स की एग्जाम्पल हो गई जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड सो न्यूट्रिशन दे आर हेट्रोट्रॉप्स और इनकी एग्जाम्पल होगी एनिमल एंड फंजाइ तो बेसिकली क्या होता क्या है कि इनकी बॉडी में भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं तो हम जिसके बारे में हेटरोट्रॉप्स के बारे में हम अपने आप को रखकर लाइक ह्यूमंस की एग्जांपल लेकर इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे आगे राइट right? सो so, पहले हम बात करने वाले हैं इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं सो इट इज अ प्रोसेस जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है और इसमें प्रोसेस कौन सा परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस का तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें फोटोसिंथेसिस में आप सबको पता है चार चीजें चाहिए फर्स्ट इज सनलाइट जो कि सन से आती है सेकेंड इज जो गैशियस एक्सचेंज होता है इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है जो स्टोमेटा स्टोमेटा एक ग्रीन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स uh, प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? जो गैशस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? तो ए, तीसरा वाटर, वाटर कहाँ से आता है सॉयल से और एक और चीज़ होती है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स में ही एक छोटे छोटे से इस तरह से सर्कल्स में प्रेजेंट होते हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट करके चीज़ प्रेजेंट होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है ठीक है तो ये एनर्जी पड़ती है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट uh, जो है उसको एब्जॉर्ब करके ठीक है इस लाइट एनर्जी को आगे फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है विद दी हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो वो क्या बना देते हैं हमारा खाना बना देते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ठीक है तो ये बैलेंस रिएक्शन है बैलेंस्ड रिएक्शन बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आया सिक्स सीओ टू वॉटर कहाँ से आया हमारा पानी से सॉइल uh, से सॉइल ने वॉटर एब्जॉर्ब कर लिया ग्रीन प्लांट्स की बात करें लाइट एनर्जी आई हमारी सन सन से ठीक है और उसके बाद एक क्लोरोफिल करके यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में ठीक है so, सो उसने क्या बना दिया कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए तो so, ये एक बैलेंस रिएक्शन बनानी है आपने ताकि एग्जाम में आप लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस रिएक्शन एंड ऑक्सीजन गैस हमारी प्लांट्स ने रिलीज आउट कर दी ठीक है सो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्रीन प्लांट्स को जो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी जो बने, ठीक है ग्रीन प्लांट्स ने कुछ तो अपना मतलब खुद यूज़ कर लिया बाकी उसने अपने प्लांट्स में भी भेज दिया और उसके बाद उसके क्या हो गया उसने जो बच गया बच गई बच गया सामान जो बच उसको उसने किस फॉर्म में स्टोर किया स्टार्च की फॉर्म में तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वन मार्क में भी आ जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टार्च में तो बा कुछ तो इमीजिएट यूज़ हो गई एनर्जी कुछ जो बच गई उसको स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च की फॉर्म में जबकि जो बॉडी रिजर्व होता है हमारे केसेस में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है ठीक है सो दिस यू हैव टू रिमेंबर प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और हमारी बॉडी में दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिजर्व की बात कर रहे हैं वो हो गया ग्लाइकोजन की फॉर्म में राइट उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक जस्ट टू मेक यू एक्स लाइक सी और मेक यू लर्न एक मैंने ये एक क्लोरोप्लास्ट uh, के बारे में आपको बता रखा है कि uh, ये एक प्लांट्स में ग्रीन लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे से इस तरह के यू कैन सी दैट सर्कल में छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है एक कस एक किस्म की ये एक ऑर्गेनैली होती है जो सनलाइट को ट्रैप करती है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है राइट right? तो इसका स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट right? इसमें आप देखेंगे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन इसमें इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है so, सो इसमें छोटे छोटे से कुछ ग्रीन डॉट्स हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इनका काम क्या है ये सनलाइट में ले सनलाइट सनलाइट को लेते हैं उसको ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं शुगर ठीक है उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कौन से कौन से इवेंट्स होते हैं सबसे पहले एनर्जी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने ठीक है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सबसे पहले सनलाइट आई सनलाइट पड़ी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर इसमें छोटे छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइलिज हैं इसके अंदर क्लोरोफिल होता है इसने क्या किया एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया उसके बाद उसने कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ठीक है वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर हमारा नीचे रूट्स से रूट्स ने एब्सॉर्ब किया था वाटर उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसको ब्रेक डाउन किया तो वो किस में ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक डाउन हो गया सो बेसिकली इसमें क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन हो गई सो so, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी थी सो so, इसमें क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई तो ये स्टेप्स ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं ठीक है सीक्वेंस में नहीं हो रहे हैं किसी प्लांट्स में ये कभी भी कभी होते हैं किसी प्लांट्स में ये कभी होते हैं ठीक है जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सेप्शन के तौर पर तो वो सीओ को जो रात को लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रपेयर करते हैं एकदम से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर मतलब एकदम से सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में नहीं होते हैं ठीक है तो वो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं सी ओ टू को रात को लेके एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर देते हैं तब जब उनके ऊपर एनर्जी पड़ती है जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की हुई थी ड्यूरिंग द डे टाइम तब रिएक्शन परफॉर्म होता है इस केस में ठीक है सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में काम क्या होना है शुगर को प्रोड्यूस करना शुगर को प्रोड्यूस करना ग्लूकोज बनाना खाना बनाना वो लाइट एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है ठीक है ये एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही हो रही है सो लाइट एनर्जी क्या कर रही है जो क्लोरोफिल है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके शुगर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका साथ दे रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है सो वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक डाउन कर जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है फॉर टू कार्बोहाइड्रेट्स तो एक ये रिएक्शन परफॉर्म होती है ठीक है जिसमें सिक्स जीरो टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ब्रेक डाउन हो गया और इसकी रिडक्शन होकर ये ग्लूकोज बन गया ठीक है सोलर एनर्जी ने एक्ट किया और जो केमिकल एनर्जी है वो फॉर्म हो गई ठीक है और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो गई

इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्या एक के बिना भी फोटोसिंथसिस हो सकती है सो so बेसिकली सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं सो क्लोरोफिल में ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ये आप लोग अपने पास भी कर सकते हैं इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड सो एक आप प्लॉटेड प्लांट ले लीजिए जिसमें वेरीगेटेड लीव्स है ठीक है मनी प्लांट के दो लीव्स ले, ले लीजिए एक को हमने डार्क रूम में रखा फॉर थ्री डेज डार्क रूम में रखेंगे तो सारी स्टार्च जो ऑलरेडी स्टार्च की फॉर्म में हमारी शुगर स्टोर्ड हैं वो यूज अप हो गई प्लांट ने अपने आप को खाना तो मतलब पचाना ही है ना जो उसका रिजर्व एनर्जी थी उसने वो यूज कर लिया तो दैट मीन्स वो डिस्टार्च हो गया उसमें से सारा स्टार्च खत्म हो गया उसके बाद हमने उसको छः घंटे के लिए वापस से सनलाइट में रख दिया उस प्लांट का हमने एक लीफ प्लग कर लिया उसमें मार्क कर लिए ग्रीन एरियाज और उसको हमने एक शीट पेपर शीट पे रख दिया फिर उसको हमने बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए डिप कर दिया और उसके बाद उसको इमर्स कर दिया जिसमें अल्कोहल था एक बीकर में इमर्स कर दिया जिसमें अल्कोहल था और उस बीकर को केयरफुली हमने वाटर बाथ होता है लैब्स में आप देखेंगे कि वाटर बाथ बना के जैसे गैस जला दी जाती है ना हीट देने के लिए बेसिकली वाटर बाथ में प्लेस कर दिया और उसको तब तक हीट किया जब तक उसका अल्कोहल बॉयल होना शुरू नहीं हो गया तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे दीज आर समब्जर्वेशंस वॉट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि लीफ जो है वो कलरलेस हो गया कलरलेस होने के कारण जो क्लोरोफिल थी वो अल्कोहल में डिजॉल्व हो गई और अल्कोहल जो हो गया वो ग्रीन कलर का हो गया एल्कोहल क्या हो गया ग्रीन कलर का जब आप इस ग्रीन कलर को जब आपने नाउ डिप द लीफ एक आपने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया जब उसके अंदर लीफ को डिप करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स और उसको वापस ला के रिन्स ऑफ कर देंगे ठीक है आयोडीन सॉल्यूशन को तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे तो जो ग्रीन एरियाज थे वो डार्क ब्लू हो गए जो ग्रीन एरियाज थे लीफ के वो डार्क ब्लू हो गए ठीक है सो दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन आकर सो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस है सो कलरलेस पार्ट ऑफ द लीफ शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च सो कलरलेस लीफ में कोई फॉर्मेशन नहीं हुई

सो एरिया अफेक्टेड बासपे ए जो ग्रीन कलर का एरिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर जो एरिया येलो कलर वाला था वो अनअफेक्टेड रहा उस पर कोई वो कलरलेस हो गया उस पर कोई फ़र्क नहीं आया ठीक है सो दैट शोज़ कि क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस सेकेंडली जो गैशियस एक्सचेंज होता है फोटोसेंथिसिस में जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन चली जाती है सो बेसिकली दैट अक्स थ्रूस चोमेटा सो so, स्टोमेटा भी एक छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि आप लगा लीजिए कि अगर इसमें पानी बहुत सारा स्टोमेटा ओपन और क्लोज़ होते रहते हैं ठीक है ये बेसिकली ये गार्ड सेल्स हैं गार्ड सेल्स का काम क्या है कि गैशस एक्सचेंज करने में ये लोग हेल्प करते हैं तो जब इसके अंदर ठीक है ये सरफेस ऑफ़ लीफ, सरफेस ऑफ स्टेम सरफेस ऑफ रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटल स्टोमेटा stomata की ठीक है उसमें वो कैसे होती है जब इसके अंदर पानी आता है जब इसके अंदर पानी आया तो ये जो पोर है यू कैन सी दिस पोर ये पोर स्वेल कर जाता है ये स्वेल कर गया तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं ठीक है ओपन होते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है जब पानी इसमें से निकल जाता है तो ये सेल्स श्रिंक कर जाते हैं श्रिंक कर गए तो बेसिकली स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गए राइट सो दिस इज हाउ गैश एक्सचेंज अक्कर थ्रू स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस सेकेंड इज सेकेंड बेसिक चीज क्या है हमारी आफ्टर क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें अब फोटोसिंथेसिस में फॉर दिस हमने दो पॉटेड प्लांट्स ले लिए सेम साइज के उसको डार्क रूम में रख लिया तीन दिन के लिए उसके बाद उसके पास एक हमने एक प्लांट के पास हमने एक सेपरेट ग्लास प्लेट रखी जिसमें हमने क्या डाल दिया के एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच हमने इसमें के ओ एच रख दिया के ओ एच का काम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना ठीक है हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए यस यस और नो वी विल कम टू नो थ्रू द ऑब्जर्वेशन एज वी ऑलरेडी नो कि हाँ चाहिए तो बट इसके बिना भी, भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस रिएक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट सॉरी सो हमने क्या किया दो पॉटेड प्लांट्स लिए उसको हमने डार्क रूम में रख दिया फॉर थ्री डेज और एक के पास हमने ग्लास प्लेट रख दी एक में ग्लास प्लेट पे हमने के ओ एच रख दिया और उसको जार से कवर कर दिया ताकि उसके अंदर कुछ भी गैशियस एक्सचेंज या एनीथिंग कैन नॉट हैपन ठीक है वैक्यूम क्रिएट कर दिया उसके बाद हमने कुछ भी अंदर बाहर ना जा सके तो उसको सील कर दिया ताकि वो एयर टाइट हो जाए उसके बाद इन प्लांट्स को हमने दो घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया सो so, उसको हमने सनलाइट में रख दिया नहीं हमने उसको सनलाइट में रख दिया दो घंटे के लिए अब जब उसको हमने उसके लीव्स को प्लग करा और उसकी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक किया तो व्हाट वी हैव फाउंड हमने क्या कंक्लूड किया जो लीफ ऑफ द जो प्लांट का लीफ बिना के ओ के था वो तो ब्लू कलर का हो गया है ना जो जिनके पास हमने के ओ रखा हुआ था जिसने ट्रैप कर लिया था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो किस कलर का हो गया वो ब्लू कलर का नहीं हुआ सो ब्लू कलर का होने का क्या मतलब है कि जो प्लांट था उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है दैट मींस की कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया के uh, ओ ने तो वो उसमें स्टार्च फॉर बना ही नहीं बना ही नहीं दैट मींस फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाए राइट right? सो so, अब हमने अब हम थर्ड चीज की बात करें थर्ड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं थी तीसरी चीज सनलाइट सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है कि नहीं है फॉर दिस हमने क्या किया हमने प्लांट लिया उसको तीन दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया ताकि वो अपना सारा स्टार्च कंज्यूम कर ले जो उसका रिजर्व एनर्जी थी और वो डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद हमने उस लीफ को पार्श उसके एक लीफ को पार्शली कवर कर दिया विद अ ब्लैक पेपर ठीक है इसको एक्सपोज कर दिया इसको कवर करने के बाद हमने इसको पूरे प्लांट को एक्सपोज कर दिया सनलाइट में फॉर थ्री टू फोर आवर्स हमने सनलाइट में रख दिया इसको और उसकी हमने जो क्लोरोफिल थी लीव की रिमूव कर दी एंड हमने उसका क्लोरोफिल रिमूव करके उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया स्टार्च टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे हमने उसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाल दिए तो हमने क्या देखा जो कवर्ड पार्ट था है ना उसका तो ब्राउन कलर आया जो जो हमने ये कवर किया हुआ था पार्ट ये कौन सा कलर आया ब्राउन और जबकि जो ब्लू पार्ट था जो हमारा बाकी ग्रीन प्लांट था वो एक्सपोज था और वो किस कलर में हो गया कन्वर्ट ब्लू कलर में सो so, ब्लू कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ये एक स्टार्च चेस्ट था दैट मीन्स कि सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि वो जो बेसिक हम लोग रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड क्लोरोफिल्स सी ओ टू एंड फोटो क्लोरोफिल सी ओ टू एंड सनलाइट दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर टू परफॉर्म द फोटोसेंसेज एज वेल एज क्लोरोफुल सो जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है फॉर मेकिंग देर फूड उनको और भी रॉ मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वाटर और कुछ मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें हमारी पानी से आती हैं जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्राम द सॉयल ठीक है सॉयल से जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर उन्हीं के थ्रू ये टेकअप कर लेता है नाइट्रोजन एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन सिंथिस में हेल्प करता है ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है उसके बाद इसको बैक्टीरिया मतलब इट इट हैज़ बिन टेकन अप एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एटमोसफेयर एक नाइट्रोजन राइट सो प्लांट्स अपना फूड अपार्ट फ्रॉम दीज फोर थिंग्स वाटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम भी चाहिए होता है और ये सब कुछ वो लोग सॉयल से लेते हैं सो दिस इज़ अबाउट द ऑटोट्रॉप्स so next video may baat heterotrop and if you guys have any doubt you can comment me in the comment section and thank you for listening this video and please if you like this video kindly like share subscribe with your friends uh, share share with your friends and uh, please like and subscribe this channel for more videos and wait uh, please continue watching for this chapter for the next video. Thank you.